आप कॉस्को आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे लड्डू मिलने लग गए हैं, सॉर्टेड लड्डू। सारी लग रहा है इंडिया की मिठाइयाँ यहाँ शुरू हो चुकी हैं। ये तो गाइस, ये HP का क्या ये प्रिंटर मिला, जिसका एक्चुअल प्राइस था $300। टंग टंग। सो हेलो गाइज, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और अभी अगर आपको लग रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो फिलहाल हम जा रहे हैं स्कूल के लिए। और आपको वेदर दिखा दें, वेदर अच्छा है, धूप सी थी पर थोड़ा ठंडा शुरू हो चुका है। तो फिलहाल विदाउट एनी डिले आज का दिन शुरू करते हैं, बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, जय माता दी। और चलिए गाइज, स्कूल पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, पर नीचे पूरे पत्ते सोफ्रिटी, मुझे बहुत बहुत ही खूबसूरत लगता है। ओटरी जो मैंने आपको पहले दिखाया था, लुक एट दिस नाउ, इट्स ऑल गॉन। अब जा रहे हैं गाड़ी में अपना लंच करने। और आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये जगह देखो ना, मतलब जगह तो नॉर्मल ही है, बट यार इन पत्तों ने इसकी खूबसूरती को 1000 गुना उड़ा दिया। देखिए, दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट न्यू जर्सी, कि आपको चारों तरीके के वेदर दिख जाते हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर। सो एंड लुक एट माई कार इज राइट देयर। पर देखिए, ठंड इतनी है, लोग फिर भी रनिंग कर रहे हैं, दैट इज़ द थिंग। ये मोटिवेट करती है हमें कि भाई मौसम कोई भी है, आप एक्सरसाइज करना मत छोड़िए, जो हमने छोड़ दी थी, बट मैं जब मैं करने आती हूँ तो मैं कर भी लेती हूँ। एनीवे, चलिए लंच करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके हमने बच्चों को खाना दे दिया है। और मेरे पति ने आज बनाई थी पनीर की भुजिया, बहुत टेस्टी बनी और ख़त्म भी हो गई। और यहाँ पे चाय मैंने बनाई आज, क्योंकि ये बिजी थे, तो यहाँ हमने बना ली चाय और चाय पियेंगे। और यहाँ मेरी दोस्त स्कूल में समोसा लाई थी, तो आई थिंक चाय एंड समोसा इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो अभी बस वो पीते हैं और बच्चे जाने वाले अपने काम पे। उसके बाद मैं सोचू आज से थोड़ा वॉक शुरू करूँ, तो वॉक पर भी जाऊँगी। घर आ चुके हैं, अब अपने मंजी टीटी से मिलेंगे। मंजी चिच्चू, मंजी चिच्चू, ये मेरा कुंटू बेबी है, आ जाओ। छानू बेबी, मम्मा गाल आई है स्कूल से, आ गई मेरी मम्मा, खाना लेके आ गई है मम्मा। पप्पी तो गलता नहीं हूँ, मैं मम्मा को पप्पी तो गलता नहीं हूँ, खाना चाहिए मुझे। आ जा, सबको हेलो कर दो, बोलो सभी को मेरी मम्मी की तलब से हेलो। चल खा ले, पहले खा रहा है अभी। चलिए हम भी कुछ खाते हैं। मेरा क्यूटी पाई देखो कैसे खा रहा है प्यार से। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, सी यू। तो 5:45 हो चुके हैं और अब मैं निकल रही हूँ वॉक के लिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड और अगर आपको लग रहा है मैंने हैट क्यों लगाई, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ठंडा है एंड इट इज़ कोल्ड। सो आई एम गोइंग फॉर वॉक और आपसे मिलेंगे वॉक के बाद। और हाँ, अभी ये भी गए हुए हैं बाहर नित्तू को लेके, और टिया अंदर पढ़ाई कर रही है, और हमारा पेपर अभी सो रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने देखा उसकी आंखें बंद थी। तो और यहाँ पे हमारा एक और बॉक्स आ चुका है, जो आने के बाद देखती हूँ क्या है। तो फिलहाल चलिए वॉक करके आते हैं और मिलते हैं। हेलोविन डेकोरेशंस, काफ़ी दिनों बाद वॉक करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा बहुत है। पर चलिए घर चलते हैं, एंड आई थिंक आई वॉक टू लॉट। गाइस, वॉक करते करते आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं, देखिए, लुक एट दैट। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पास चल के दिखाते हैं। तो देखिए ये खूबसूरत सा नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, देखो आप, so pretty। तो गाइस, मैं वॉक करके आ गई हूँ, यहाँ मेरा गुड्डू बेबी आ गया। हाँ देखो, मैं अपनी छानी के साथ खेली खेली कर रहा हूँ, बोले मेरी मम्मी अब मेरे साथ खेली खेली कर लिया, मम्मा बो पाली गलतियाँ, छपचे ज्यादा पाली गिजगो गलतियाँ, मुको गलतियाँ, छपचे ज्यादा पाली गलतियाँ, हाँ छच्ची में गलतियाँ, दीदी से भी ज्यादा, पापा गलतियाँ पाली, पापा भी गलतियाँ, पापा मेरी छपाई गलती है घर की, दीदी भी गलती है, पर दीदी बिजी रहती हो, हो हाँ छच्ची गलती है मम्मा बेटा, अब पता है बहुत समझता है, प्यार करता है, पहले नहीं समझता था, अब इसको यहाँ बैठना अच्छा लगता है। हाँ मम्मा गलती है पारी, हम दोनों की बॉन्डिंग सबसे अच्छी रहेगी,
हाँ दिवाली पे मेरे गुड्डू को कहाँ चाहिए, गुज्जू को तो मिठाई भी नहीं खिला सकते, कप्पे भी नहीं बना सकते, नए नए कहाँ करेंगे बताओ, पूजा करेंगे मम्मी छाती बैठ के, है ना? ऐसे ऐसे करूंगी ना, इसको बहुत अच्छी लगती है मम्मा के पास छो ना। मुंह कर लो, साफ कर लो, मुंह साफ कर लो, हाँ अच्छे से कर लो। क्या हो गया मुंह में, सफाई हो रही है मुंह की? अच्छे से सफाई करो, सबसे क्यूट तुम तभी लगते हो जब अपना फेस क्लीन। नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। सुबह सुबह गाड़ी चार्जिंग पे है, इसको चार्जिंग से हटाएंगे और मौसम अच्छा है, कुछ कौवा वगैरह बोल। चलिए अभी दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं, आज वही ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और आपको दिखाते हैं आज का दिन कैसा रहता है, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अभी स्कूल से आएंगे और सीधे स्कूल के बाद ही मिलते हैं। तो गाइस स्कूल मेरा खत्म हो चुका था, मैं घर आ चुकी हूँ, घर आने के बाद खाना ना खा लिया, उसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं नीतू के स्कूल में उसको ड्रॉप करने, क्योंकि आज उसका स्कूल भी नहीं हो गया, पर आज जा रही है अपना स्कूल ट्रिप पे, आई थिंक जो हमारी पिकनिक टाइप होती है वो। नीतू लव यू, एंजॉय। चलिए अब मैं आगे आ जाती हूँ, पीछे बैठ गई थी मैं। ओ मेरा फोन गिर चुका है, उठा ले। और चलिए तो भाई नित्या को छोड़ दिया है और अब हम निकल गए हैं, टिया को छोड़ेंगे, टिया का जॉब है, उसके बाद हम जा रहे हैं कॉस्को की तरफ। और ये देखिए गाड़ी अपने आप चल रही है हमेशा की तरह, आलसी लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है देखिए, और ये देखिए कितना कूल लग रहा है, मीन्स ये ऐसा लग रहा है खिलौने निकल रहा है भाई। अब तो मैंने देखा टेस्ला ने गाड़ियां निकाल दी, कुछ दिन में उड़ने वाली गाड़ी आएंगी, है ना? आप भी उड़ के देखेगा कितना फनी लगेगा ना, बगल में कोई उड़ा है। सच में यार दुनिया एकदम पलट गई है, इंसान एकदम आधुनिक हो चुका है। तो गाइस हम और टिया आ चुके हैं, टिया के भी जॉब में टाइम है, तो हम सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला देते हैं, पैसा कमाने से पहले पैसा उड़ा रहे हैं। और ये देखिए इनको आ गई नींद, इन्होंने गाड़ी बहुत, ये गाड़ी में थक गए, इन्होंने गाड़ी बहुत चला ली है ना, टेस्ला खुद चलती है, उसके बाद ही कह रहे मुझे बहुत ना, मैं थक गई हूँ गाड़ी चला चला के, कोई नहीं। चलिए हम निकलते हैं बाहर, जब तक ये अपनी नैप लेते हैं और हम आते हैं और मिलते हैं आपसे। ये प्रिंसटन की बहुत फेमस शॉप है, बेंच स्पून, छोटी सी है बट फेमस बहुत है। चलो टीला कॉफी लेनी, क्या लेनी? आ जाए तेरा सामने क्या? अच्छा डॉग्स की होगी। घूमते घूमते हम आ चुके हैं बिल्कुल बगल की शॉप में, यहाँ पे हम कुछ सामान देख रहे हैं, मग वगैरह जो आई थिंक $32 का एक है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और सारी ही क्रॉकरी आपको बहुत बहुत महंगी दिखेगी, $8 का। यू कैन सी ऑल दैट स्टफ। चलिए टिया को हमने छोड़ दिया, लव यू टिया, सी यू जय माता दी। और अब हम निकल रहे हैं कॉस्को की तरफ। गाइज हम कॉस्को पहुंच चुके हैं, बट बिफोर गोइंग टू कॉस्को इनके गाड़ी के हवा भी निकल चुकी है जिसको ये भर रहे हैं। और यहाँ कॉस्को में अगर आप आते हैं तो ये फ्री है बिल्कुल, राइट? एक भी पैसे नहीं देने। तो चलिए ये हवा भरते हैं और इसके बाद हम जाते हैं कॉस्को। तो गाइज हम जो लेने आए थे वो तो लिया नहीं, और हमने फालतू की सारी चीज़ें ले ली। और देखें यहाँ पे पनीर भी मिल रहा है, गोभी पनीर, अब तो कॉस्को में सब मिल ही जाता है। हमने जो लेना था वो नहीं लिया, देखो हमने क्या क्या उठा लिया जो हमें नहीं चाहिए था। पापा के लिए जैकेट ले ली इन्होंने, ये सब चीज़ें के लिए हम लोग आए भी नहीं थे। जिस चीज़ के लिए आए थे वो क्या थी, क्या था वो भी आपको दिखाते हैं। वो ही नहीं देखी, अनार लेने आए थे। अनार के लिए आऊँगी मैं फिर यहाँ पे, वहाँ मैं कुछ और ही लेने आई थी। तो गाइस यहाँ आ चुकी हूँ मैं दूध लेने के लिए, देखिए दूध ही दूध, दूध ही दूध। और यहाँ से हम लेते हैं होल मिल्क, ये देखें, ये दही जमाने के लिए लिया मैंने, देखते हैं कैसी दही बनती है। बट आप यहाँ देख लो कितना सभी दूध ही दूध है। चलो अब चलते हैं बाहर, इसके दही जमाऊंगी बहुत दिनों बाद। और हमारे पति का है, अगर आप कॉस्को आ रहे हैं तो आप देख लीजिए यहाँ पे लड्डू मिलने लग गए हैं, सॉर्टेड लड्डू, काजू कतली, कैन यू इमेजिन दिस,
सारी लग रहा है इंडिया की मिठाइयाँ यहाँ शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए यम्मी, और इसकी कीमत सिर्फ $10 की, ज़्यादा महंगे नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू बाय लड्डू और बर्फी, कहाँ गए मेरे पति, काफ़ी कुछ आपको इंडियन चीज़ें यहाँ मिल। शॉपिंग इज़ ऑल डन, ही इज़ कमिंग एंड नाउ वी आर गोइंग होम। ऑल डन, चलो हमने ले लिया ये नई चीज़, नया डाइसन राइट, इसके लिए हम आए थे और लिया हमने क्या क्या है, लेने हम इसको आए थे और ले ये सब लिया। मेरा वैक्यूम खराब हो गया तो बिना वैक्यूम के मैं कुछ कर नहीं पाती। बिल कितने $707 का, $707 सबसे इम्पोर्टेंट ये $300 की चीज डब्बे में मिली है और वो भी मैंने देखी। चलो इसको बाहर बताते हैं जो है ना, लास्ट चीज़। थैंक यू, मुझे बोलो। तो गाइस मैं एक और अच्छी डील आपको बताती हूँ, चलते चलते बताती हूँ जो मैंने देखा, जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ते हैं। और याद मेरी नज़र पड़ी, दिखाना जरा। तो गाइस ये HP का क्या ये प्रिंटर मिला जिसका एक्चुअल प्राइस था $300, मेरी ऐसी नज़र पड़ गई और उस पर लिखा था $90 लिखा था ना, कुछ खराबी वराबी नहीं है। वो आखिरी पीस था इसलिए $300 की चीज़ ऐसी कर देते हैं। स्मार्ट तीन साल में एक बार चलती है और स्मार्ट इसमें तीन साल में एक बार इंक पड़ेगी, बताइए। और थैंक यू बोलो मुझे, मैंने तुम्हारे $220 बचवा दिया, दैट्स अ लॉट। हाँ उसमें हमारी बाकी ग्रोसरी हो गई है। क्यों तो पापा के लिए जैकेट ले लिया, अगर पापा मेरे ब्लॉग देखते हैं दिखाओ तो ये जैकेट आपके लिए ले लिया पापा, जब भी आप आएंगे ठंड के लिए, इनको अच्छी लगी हमने कहा ले लेते जैकेट मिल गया। तो आपकी जैकेट भी आ गई है। फिलहाल हमने घर का सामान ले लिया और वैक्यूम के बिना मेरे घर में काम चलता नहीं क्योंकि सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। दिवाली भी आ रही है और काम बहुत ज्यादा है। फिलहाल निकलते हैं घर के लिए क्योंकि मेरा मन्नू चुन्नू घर पे वेट कर रहा होगा। तो चलिए, हाय दे सच्ची सारता मेचा देके आईया दर चीनू कर